चलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हिंदी के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज की थी, जैसे कि यहाँ चित्र देख के उसकी आवाज़ लिखना है हमें। तो यहाँ लिखा है टर्न, यहाँ क्या लिखना होगा? टर्न। अभी आप लोगों ने तो ये लिख डाला होगा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ दिखा दिया था कि कैसे लिखना है। लेकिन जिस बच्चों ने नहीं लिखा है वो लोग ध्यान से देखो, और जो मैं यहाँ आंसर लिख रही हूँ वो आंसर आप लोगों को लिखना है। टन टन, खोड़ खोड़, गोड़ गोड़, ठक ठक, डम डम, टप टप। यहाँ एक्सरसाइज में भी 4 क में भी मैंने दिखा दिया था कि ऐसे सभी जगह पे ट लिखना है। क्या लिखना है? ट। फिर बाद में पूरा वर्ड हमें पढ़ना है। यहाँ कौन सा वर्ड बना? ज ट प ट। इसी तरह यहाँ न ट ख ट, इसी तरह यहाँ ख ट प ट, इसी तरह यहाँ झम झम, इसी तरह यहाँ छम छम, इसी तरह यहाँ टम टम, क्योंकि यहाँ सभी जगह पे म लिखना है इसलिए ऐसा वर्ड बनेगा। और यहाँ भी मैंने बोला था कि जैसे हमें यहाँ दिया गया है वो ट्रेस करके यहाँ पूरा कम्प्लीटली फिर से लिखना है। यहाँ बतख में वो पूरा पिक्चर ट्रेस करके कंप्लीट करके और उसमें चित्र के अनुरूप रंग भरना है, वो भी कर लिया होगा आप लोगों ने। अभी हम लोग फिर से एक बार शब्दार्थ रिवीजन कर लेते हैं। सभी को ये लिखना आना चाहिए और उनके मीनिंग भी बोलना आना चाहिए। तो जर जर मतलब साउंड ऑफ वाटरफॉल, त ट मतलब बैंक, उपवन मतलब गार्डन, बह मतलब फ्लो, उछल मतलब जंप, बतख मतलब डक। चलो बच्चों, ये सब तो हम लोगों ने रिवीजन कर लिया। चलो बच्चों, अभी इतना कर लिया, बाद में हम लोग एक्सरसाइज 5 करेंगे। कैसे? देखो, ये एक्सरसाइज 1 है, आप लोगों को नोटबुक में लिखना है, वो लिख ली होगी। एक्सरसाइज 2 वो भी मैंने लिखने के लिए बोला था, वो भी लिख लिया होगा, और सर्कल करना है वो सर्कल कर लिया होगा। अभी यहाँ एक्सरसाइज 3, ये भी पूरी कंप्लीट करके हमें ये सभी वर्ड नोटबुक में लिखना है। यहाँ फोर्क फोर्ख, ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को सभी वर्ड हमें नोटबुक में लिखना है, वो लिख लिया होगा। अभी ये फोर्क और फोर्ख हो गया, बाद में एक्सरसाइज 5 नोटबुक में हमें कंटिन्यू पेज में एक्सरसाइज 5 लिखना है। चित्र देख के शब्द लिखे, क्या है इंस्ट्रक्शन? चित्र देख के शब्द लिखे। हमें ये सभी चित्र को देखना है और चित्र देख के उनका जो नाम है वो नाम लिखना है, यानी कि शब्द लिखना है। जैसे कि फर्स्ट पिक्चर किसका है? कमल। क्या है? कमल। तो हम लोग इधर 2-3-4 अक्षर वाले शब्द का ही ये सभी चित्र है, तो वैसे ही शब्द हमें लिखना है। तो ये शब्द तो सभी को लिखना आएगा ही। हम लोग ट्राई करते हैं, पहला पिक्चर क्या है? कमल। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ये कमल का नाम यानी कि शब्द, कमल हो गया। ऐसे ये पिक्चर किसका है? घर। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? घर। इधर बतख, तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे? बतख। ये किसका पिक्चर है? नल। तो क्या लिखेंगे इधर? नल। यहाँ
क्या दिख रहा है आप लोगों को? फल। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फल। ये क्या दिख रहा है आपको? दस। ये आप लोग बोलेंगे कि ये तो 10 लिखा है, लेकिन हम लोग गुजराती में क्या बोलते थे उसको? दस। ऐसे ही हिंदी में भी हम लोग क्या बोलते थे? दस। तो यहाँ क्या लिखेंगे? शब्द। यहाँ आठ, तो यहाँ लिखेंगे आठ। ये क्या है? एक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? एक। ऐसे आप लोगों को एक्सरसाइज 5 में ये एक्सरसाइज करना है और चित्र ड्रॉ कर। यस, मैंने 8 पार्ट बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट बनाया है और सभी पार्ट में एक एक पिक्चर ड्रॉ किया है। आप लोगों को भी ऐसे पिक्चर ड्रॉ करके उनका शब्द लिखना है। पिक्चर जैसा भी हो लेकिन शब्द अच्छे से होना चाहिए, सब शब्द ठीक से लिखा हुआ होना चाहिए यहाँ सभी जगह पे। तो ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा और ये हिंदी की नोटबुक में ही लिखना है। तो हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और होमवर्क भी हो जाएगा। और पिक्चर बच्चों आप लोग खुद ही ड्रॉ करना, जैसा भी हो ऐसा पिक्चर चलेगा, लेकिन शब्द सच्चा होना चाहिए। ओके, चलो बच्चों आज इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय।